आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके फेस पर पिंपल हो गए हैं या फिर पिंपल के निशान रह गए हैं तो आप उनको रिमूव कैसे करें, प्लस कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां जिनको हम ये समझकर छोड़ देते हैं कि इनसे कुछ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो फ्रेंड, मेरी इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपका पिंपल अच्छे से रिमूव हो और आपका फेस बिल्कुल साफ बने। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो आपको सबसे पहले चाहिए बेसन। अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल हैं तो आप फेस वॉश अवॉइड करें, कोई भी फेस वॉश। आप कोशिश करें आप अपना फेस या तो बेसन से साफ करें या फिर मुल्तानी मिट्टी से। आपको लेना है बेसन, फिर आपको इसमें ऐड करना है पानी, नॉर्मल पानी जो हम पीते हैं। आपको मिक्स करके इसको फेस वॉश की तरह यूज करना है। जैसे हम फेस वॉश के साथ हमारा चेहरा साफ करते हैं, वैसे ही आपको इस उपकरण के साथ, इस बेसन के साथ आपका चेहरा फेस वॉश कर लेना है। यह था हमारा पहला टिप्स। अगर फिर भी आप चाहते हो कि आप फेस वॉश के बिना नहीं रह सकते तो आप कोशिश करें अल्कोहल फ्री, पैराबिन फ्री, मेरा मतलब है कि बिल्कुल नेचुरल जो फेस वॉश आते हैं आप केवल उन्हीं का प्रयोग करें, या फिर आप बेसन या मुल्तानी मिट्टी का। यह था हमारा पहला टिप्स। सेकंड बनाएंगे हम पैक। आपको लेना है पुदीना की पत्तियां, ये देखिए फ्रेश पुदीना लेना है आपको। फिर हम इसको क्रश कर लेंगे, इसको कूट लेंगे। हमने बना लिया है यहाँ पर पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी। पुदीना में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके पिंपल को रिमूव कर देगा। अगर आपके फेस पर पिंपल के दाग धब्बे हैं ये उनको भी रिमूव कर देगा। फिर आपको लेना है टीट्री ऑयल। आपको इसमें टीट्री ऑयल की सिर्फ 5 या 6 बूंदे ही डालनी है। आपको ज्यादा नहीं लेना, 5 या 6 ड्रॉप ही लेनी है आपको टीट्री ऑयल की। ये देखिए, अब आपको ये मिक्स कर लेना है थोड़ा पानी ऐड करके इसमें। फिर आपको इसमें ऐड करना है पानी ताकि इसका एक पेस्ट बन जाए, ये देखिएगा इस तरह से। और फिर आपको जहां जहां पर भी पिंपल है वहां वहां पर इसको लगाना है। जहां जहां पर भी पिंपल है आपको लगाना है उधर उधर, और आप इसको छोड़ दें सूखने तक। आप इस प्रोसेस को दिन में 3 या 4 बार करें। आप इसको बनाकर रख सकते हैं फ्रिज में, और जहां जहां पर पिंपल है वहीं वहीं पर लगाना है आपको। रीअप्लाई करते रहना है 1-1 घंटे के बाद या फिर 2 घंटे के बाद, और फिर आपको फेस वॉश नहीं करना है, आपको ये उतार देना है कॉटन की सहायता से। अगर आप इसको करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत आराम मिलेगा पिंपल में। ये बात हुई हमारी अगर आपके फेस पर पिंपल है तो। अब सेकंड बात आती है, अगर आपके फेस पर पिंपल के निशान है तो आपको क्या करना है। आपको लेना है कद्दूकस करना है आपका। आपने यहाँ पर, मैंने लिया है आलू और खीरा, मैंने यहाँ पर दोनों को कद्दूकस किया है। फिर हम इसको छान लेंगे, इसका रस निकाल लेंगे, मतलब कि अच्छे से प्रेस करके। ये देखिए हमने यहाँ पर इसका ले लिया है रस। फिर आपको अपने पूरे फेस पर इसको अप्लाई करना है। आप कॉटन से भी लगा सकते हैं, आप अपनी फिंगर से भी। मसाज करनी है 5 या 10 मिनट तक, और फिर आप इसको 1 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद सिंपल पानी से आप अपना फेस वॉश कर लें। देखिएगा आप ये लगाने के बाद डेफिनेटली आपके जो पिंपल्स के निशान हैं वो बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे धीरे धीरे करके। आपको विजिबल रिजल्ट मिल जाएगा 4 दिन में। आपको फर्क लगेगा कि आपके जो निशान हैं पिंपल्स के वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। और इस रेमेडी के साथ साथ आपको कुछ छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है। जैसे आप अपना फेस टॉवल अलग रखें, आप उन्हीं प्रोडक्ट का ज़्यादा यूज करें जिसमें विटामिन सी हो या फिर विटामिन ई हो। और फ्रेंड, आप
सुबह और शाम दो टाइम CTM पक्का करें, क्लींजिंग टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो। डेफिनेटली अगर आप इस रेमेडी को रेगुलर करोगे ईमानदारी के साथ तो आपको अपने फेस पर बहुत जल्द असर मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस रेमेडी को पक्का यूज करें। ये डेफिनेटली आपको असर दिखाएगी ही दिखाएगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।